अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ैना शिरवान और आप देख रहे हैं ज़ैनास क्रिएशन। आज मैं एक न्यू रेमेडी के साथ फिर से हाज़िर हूं। आज मैं आप लोगों के लिए दांत के पीलेपन को हटाने के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूं, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे इसका इफ़ेक्ट मिलेगा, रिज़ल्ट भी मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत ही चंद चीज़ों का इस्तेमाल से आपने पीलेपन दूर दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं और दांत के दर्द की तकलीफ़ जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी इसकी यूज़ करने से। आप लगातार इसे यूज़ करके देखिए, एक हफ़्ता दांत में जो दर्द होता है कीड़े लगने का या वैसे ही कोई किसी किस्म का दर्द हो तो इसके इस्तेमाल से वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही आपके दांतों में जो पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, किसी भी तरह के निशान वगैरह होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करने से। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए हैं, ये मैंने लहसुन का एक दाना, जो जू होती है ना, एक दाना वो मैंने वो लिया है, उसे मैंने पीस लिया है। ये मैंने इसमें लिया है नींबू का रस, आपने नींबू का रस लेना है, हाफ चम्मच लेना है, और नींबू में जो उसके जो है अज्जा होते हैं वो भी अपने साथ में ले लेने हैं, जो नींबू के दाने हैं वो भी। और इसके साथ अपने ने जो है पिंच जो है नमक लिया है, और पिंच ही मैंने हल्दी ली है। हल्दी जो मसाले वाली है वो आपने यूज़ नहीं करनी है, आपने दूसरी हल्दी यूज़ करनी है जो आपको पानसार के दुकान में आराम से मिल जाएगी। सूखी हुई हल्दी मिलती है जिसे आप लाकर पीस कर अपने घर में सेफ कर सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द जिसे में दर्द वगैरह होता है दूध में मिलाकर पीने से उसे भी ख़त्म करता है, खाने के इसमें इस्तेमाल होता है, तो आपने वो वाली हल्दी लेनी है। और बनाने का तरीका और लास्ट चीज़ जो आपने लेनी है वो लेना है कोलगेट ट्यूब। किसी भी किस्म का ट्यूब हो, सब कोई भी ट्यूब हो आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। मेरे पास कोलगेट ट्यूब है और मैं यही यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे ऐड करूँगी। तो आपको रेमेडी बनाने का तरीका सिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने सब चीज़ों को यकजा करना है। पहले मैं लूँगी नींबू का रस, वो मैं मिला दूँगी लहसुन के साथ। इसको अच्छे से आपने अपने मिक्स करना है। इसके बाद आपने जो है नमक और हल्दी जो लिए हमने वो मिक्स करनी है इसमें। इनको अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। और लास्ट में आपने लेना है कोलगेट ट्यूब। आपने इसको इतना ऐड करना है जितना आपने लगाना है। दिन में आप इसको दो मरतबा यूज करें, एक सुबह और एक रात में, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं मैंने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने बिल्कुल इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने शहादत वाली उंगली में लेकर पूरे दांत में आपने लगाकर छोड़ देना है एक मिनट के लिए। एक मिनट के बाद आपने टूथब्रश जो है जिसे आप ब्रश करते हैं, आप उसको लेकर आपने पूरे दांत को अच्छे से ब्रश करना है। ब्रश दो से तीन मिनट तक अपने हल्के हाथों से मसाज, मतलब वैसे आपने रगड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उससे दांत को ब्रश करना है। पहली बार में ही इस्तेमाल से आपको वाजे फ़र्क नज़र आएगा, बहुत अच्छे आपके दांत चमकने लग जाएंगे वाइट वाइट से। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हुआ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँ। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।